हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट फोर्थ बी इन लीनियर एल्जेब्रा। स्टूडेंट, पार्ट ए में, फोर्थ पार्ट के ए सेक्शन में मैंने आपके सामने कुछ डेफिनेशन डिस्कस करी हैं, उन्हीं को मैं कंटिन्यू करती हूँ। उस ए पार्ट में मैंने डिस्कस किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर ऑन वी, लीनियर फंक्शन ऑफ वी, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आई ऑन वी, आइडेंटिटी ऑपरेटर इसको बोलते हैं, एंड ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन ओ ऑन वी, ज़ीरो फंक्शनल। आज के इस बी पार्ट में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इफ टी सच दैट वी टू डब्लू देन ज़ीरो वेक्टर ऑफ वी एंड डब्लू कोरोस्पॉन्ड्स। नाउ कंटिन्यू दिस लेक्चर फ्रॉम यहाँ से आ जाएंगे हम इसमें एडिटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट टी वन एंड टी टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी इंटू डब्ल्यू, देन दिस सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज टी वन प्लस टी टू एल्फा इक्वल टी वन एल्फा प्लस टी टू एल्फा फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू वी। टी वन टी टू इज़ ए मैपिंग विच कैरीज एनी एलिमेंट एल्फा, वी का एलिमेंट है, टू द सम ऑफ इट्स टी वन एंड टी टू इमेज इन डब्लू। ये टी वन टी टू हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एल्फा पर ऑपरेट किया, टी वन एल्फा इज ए इमेज है, एल्फा की टी इमेज है, टी टू इज ऑल्सो इमेज ऑफ एल्फा, इमेज इन डब्लू। टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, टी वन टी टू इज़ लीनियर। अभी जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था लीनियर की प्रॉपर्टी, इफ़ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू एफ फील्ड है, सो दैट सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी, देन हमें टी वन टी टू को लीनियर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, टी वन टी टू टी वन प्लस टी टू को सी अल्फा अल्फा प्लस बीटा पर ऑपरेट कर देंगे, डेफिनेशन टी वन टी टू की लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी वन सी अल्फा प्लस बीटा प्लस टी टू सी अल्फा प्लस बीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सी टी वन अल्फा प्लस टी वन बीटा प्लस सी टी टू अल्फा प्लस टी टू बीटा। टी वन टी टू आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गिविन है हमारे पास। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है सी टी वन प्लस टी टू एल्फा प्लस टी वन प्लस टी टू बीटा बाय डेफिनेशन ऑफ टी वन प्लस टी टू। ये लीनियर वाली प्रॉपर्टी हमने कंबाइंड वाली प्रूफ करी है, हैंस टी वन प्लस टी टू इज़ लीनियर। नाउ कम टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमें प्रूफ करना है इसमें, इफ टी इज बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी इंटू W एंड A बी ए स्केलर बिलोंग्स टू F, स्केलर है ये जो कि फील्ड को बिलोंग कर रहा है, देन द मैपिंग ए टी डिफाइंड एज ए टी एल्फा इक्वल टू A इंटू टी एल्फा फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू V एंड A बिलोंग्स टू F। ए टी कैरीज एन एलिमेंट एल्फा बिलोंग्स टू V टू दिस सम स्केलर मल्टीपल ऑफ T इमेज, टी इमेज ऑफ एल्फा इज टी एल्फा जिसको बोलते हैं। अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ए टी इज द लीनियर, लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है वो हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर एल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड सी बिलोंग्स टू एफ, देन सी एल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी वेक्टर स्पेस। तो ए टी इंटू सी एल्फा प्लस बीटा इसे ऑपरेट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू ए टी सी एल्फा प्लस बीटा बाई डेफिनेशन ऑफ ए टी। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, टी हमारे पास लीनियर है
तो वी कैन राइट दिस एज ए सी टी एल्फा प्लस टी बीटा. फिर अगेन लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ टी से सी ए टी एल्फा प्लस ए टी बीटा. हैंस ये लीनियर वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई, हैंस ए टी इज लीनियर. नाउ प्रूफ करना है हमें एडिटिव इनवर्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम द अबव डेफिनेशन. द मैपिंग माइनस टी डिफाइंस एज माइनस टी एल्फा इक्वल टू माइनस टाइम्स टी एल्फा इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी. ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ी डिफरेंट है, तो ध्यान से इसको देखिए. टू प्रूव दैट माइनस टी इज़ लीनियर, माइनस टी को हमें लीनियर प्रूफ करना है, तो लीनियर वाली प्रॉपर्टी इसमें हम प्रूफ करेंगे. यहाँ से आ जाइए. टू प्रूव दैट माइनस टी इज़ लीनियर, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड सी बिलोंग्स टू एफ, सो दैट सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस. तो माइनस टी को ऑपरेट करना है सी अल्फा प्लस बीटा पर, तो ऑपरेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे माइनस टी सी अल्फा प्लस बीटा. टी जो है हमारा लीनियर है, तो ऑपरेट कर दीजिए माइनस सी टी अल्फा प्लस टी बीटा. सिंप्लीफाई इसको और कर लेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं सी माइनस टी अल्फा प्लस माइनस टी बीटा. बाय डेफिनेशन ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू सी माइनस टी अल्फा प्लस माइनस टी बीटा. हैंस ये लीनियर वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई हमारी, हैंस माइनस टी इज लीनियर प्रूफ हो गया है. इसकी कॉरलरी एक देख लेते हैं, टी माइनस एल्फा इक्वल टू माइनस टी एल्फा फॉर अल्फा बिलोंग्स टू वी. आगे इसको देखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं टी माइनस एल्फा इक्वल टू टी माइनस वन एल्फा. माइनस वन बाहर ले लेते हैं, माइनस वन टी एल्फा विच इज इक्वल टू माइनस टी एल्फा. और टी एल्फा को बाय डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए टी एल्फा. और सेकेंडली इसको हम इस तरीके से प्रूव करेंगे टी एल्फा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू टी एल्फा माइनस प्लस माइनस बीटा. टी इसको लिखा टी एल्फा प्लस टी माइनस बीटा बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरिटी ऑफ टी. टी एल्फा इक्वल टू टी एल्फा माइनस टी बीटा. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग करने के बाद. नाउ कम टू लास्ट डेफिनेशन. इफ टी सच दैट वी टू डब्लू, वी से डब्लू पर मैप हो रहा है, देन जीरो वैक्टर ऑफ वी एंड डब्लू कोरोस्पॉन्ड. दैट इज टी कैरीज जीरो वैक्टर यानी ओ वैक्टर ऑफ वी टू जीरो वैक्टर ओ डैश ऑफ डब्लू. लेट एल्फा प्लस जीरो इक्वल टू एल्फा वेयर जीरो बिलोंग्स टू वी. देन टी एल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं टी एल्फा प्लस जीरो, एल्फा की जगह ये लिख सकते हैं, इसे ऑपरेट कर दीजिए, लीनियर है टी एल्फा प्लस टी ज़ीरो विच इज़ इम्प्लाइज एल्फा डैश. ये एल्फा डैश हो गया इमेज है, प्लस एल्फा डैश प्लस टी ज़ीरो वेयर एल्फा डैश बिलोंग्स टू डब्लू. टी इमेज है ये हमारी. दिस शोज दैट टी ज़ीरो इज़ द जीरो वैक्टर ऑफ डब्लू. दैट इज़ टी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो डैश वेयर ज़ीरो एंड ज़ीरो डैश आर एडिटिव आइडेंटिटीज़ ऑफ वी एंड डब्लू. ज़ीरो जो है वी की, सॉरी ज़ीरो जो है वी की, ज़ीरो जो है हमारा वी की एडिटिव आइडेंटिटी है एंड ज़ीरो डैश डब्लू की एडिटिव आइडेंटिटी है. स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही. आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. अगर ये समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें इसको शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके. इस नोट्स इनके जो नोट्स हैं पीडीएफ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं. अपनी बुक को भी कंसल्ट करिए. और इन डेफिनेशंस को मैंने पहले भी बताया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, फिल इन द ब्लैंक में पूछी जाएंगी, ट्रू फॉल्स में पूछी जाएंगी, और इन्हीं के बेस पर एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनेंगे. एमसीक्यू के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो बनेंगे. आप इनको बहुत ध्यान से देखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.